हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीएस नेहा पटेल। और बताओ कैसे हो आप सब लोग। ये क्वेश्चन पूछना बिल्कुल जायज है क्योंकि अभी तो दिवाली हो गई है और दिवाली में तो आप सब लोगों ने बहुत मस्त इंजॉय किया रहेगा, पटाखे फोड़े रहेंगे और पढ़ाई की तो यार इतना कुछ हुआ नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक भी है, इंडिया का इतना बड़ा फेस्टिवल है तो समझ में आता है दिवाली में इंजॉय ऑल करना, बट पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना भी बिल्कुल ज़रूरी है। और अभी तक आपके अंदर वो दिवाली का यू नो वाइब्स रहेगा, इसलिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ विच इज़ ऑल अबाउट 30 डेज स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी से 30 डेज सिर्फ नाम का है, आप इसको अभी से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरे को बिल्कुल लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए एंड तक देखना, बहुत कुछ अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज मैं इसमें बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे रही हूँ जिसका नाम है स्प्लिट एंड स्टडी, ठीक है। दिस स्ट्रैटेजी वॉज इन्वेंटेड बाय नेहा पटेल क्योंकि मैंने ये इन्वेंट किया, मैंने ही सोचा, मतलब मैं अपने टाइम पे कर दी थी ये स्ट्रैटेजी और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। जब आपका लास्ट 30 डेज या 40 डेज या 45 डेज बचता है ना, तब आपको एक क्विक लुकअप की ज़रूरत होती है, क्विक ओवरव्यू की ज़रूरत होती है कि आपका कितना पढ़ के हुआ है, कितना पेंडिंग है। सो इस टाइम पर मुझे चाहिए कि आप लोग सबसे पहले तो डिवाइड कर लो कि कितना पढ़कर हो चुका है और कितना पढ़ना बाकी है, कितना पोर्शन बाकी है, कितना पोर्शन हो चुका है। और जैसे ही आप ये डिवाइड कर लेते हो, वो तभी आपको माइंड में भी आ रहा होगा कि हाँ मेरा इतना हो चुका है, इतना बचा है। तो जो 15 डेज आपके स्टार्टिंग के बचे हुए हैं उसको आप टाइम दो, जो भी आपका पोर्शन बचा है ना वो कंप्लीट करने में। अब वो स्टार्टिंग के 15 डेज में आपको सिर्फ पूरी और नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपका जो हो चुका है वो भी आपको साइमल्टेनियसली रिवाइज करना है, ठीक है। वो तो आपको कभी नहीं भूलना है रिवाइज करना। ये स्ट्रेटेजी तब भी काम करेगी जब आप रिवाइज भी कर रहे हो और नया भी पढ़ रहे हो, क्योंकि यार जो हो चुका है उसको आपको रिवीजन की ज़रूरत है और जो नहीं हुआ है उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो स्टार्टिंग के 15 डेज में जैसे ही आप सुबह जल्दी उठोगे, लेट उठोगे, जब भी उठोगे, तब सबसे पहली चीज़ है आई वॉन्ट यू टू डू इज जो भी पेंडिंग है ना पोर्शन वो कंप्लीट करो। एक ही दिन में नहीं, 15 दिन दे रही हूँ ना, 15 दिन में उसको कंप्लीट करो। जितना होता है उतना करो, ज़्यादा बर्डन मत लो, ठीक है। सुबह उठ के सबसे पहला सेशन आपका होगा जो भी चीज़ें पेंडिंग है वो कंप्लीट करने का। ऑब्वियसली उसके पहले रिवीजन का भी एक पार्ट आता है जो मैं करती थी, चाय पीते पीते रिवाइज करती थी, फिर उसके बाद जो भी था डे स्टार्ट करती थी। तो सबसे पहला सेशन जितना भी इनकम्प्लीट पोर्शन है वो पढ़ो, उसके बाद दोपहर से लेकर रात तक रिवाइज ही करते रहो। सिर्फ स्टार्टिंग का एक या दो सेशन आप उसको दोगे डेडिकेटेडली जो आपका पेंडिंग बचा हुआ है, जो आपका पेंडिंग पोर्शन है 15 डेज तक, ठीक है। और लास्ट के 15 डेज में तो आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन रिवाइज ही करना है। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है बिकॉज मैंने ये इम्प्लीमेंट करी हुई है और इससे जो आपका पोर्शन बचा हुआ है, आपके माइंड में जो डाउट रहता है ना कब होगा कैसे होगा, वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, वो डाउट क्लियर हो जाता है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और आपको एक कॉन्फिडेंस आता है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस। एग्जाम में पेपर लिखते टाइम आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, वो ये स्ट्रेटेजी से बिल्कुल आएगा। इसलिए मेक श्योर करना स्टार्टिंग के 15 डेज जितना हो जाए उतना कंप्लीट करो नया पोर्शन, और लास्ट के 15 डेज नए पोर्शन को टच मत करना, बिल्कुल भी मत करना, वरना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और यू नो जितना अच्छा प्रिपेयर कर सकते थे, जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, शायद उतना अच्छा ना हो पाए। तो लास्ट के 15 डेज नया कुछ भी पढ़ना अवॉइड करना, सिर्फ और सिर्फ सुबह से रात रिवाइज करना। एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि मेक श्योर करना कि लास्ट के 30 डेज, ठीक है, मेक श्योर करना कि आप स्कैनर सॉल्व कर रहे हो, आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मॉड्यूल रीड कर रहे हो और आप आपका क्लासेस का नोट्स है, हैंडमेड नोट्स है, वो पढ़ रहे हो। ये चारों चीज़ें आपको खुद से करना है, वो भी डेली। ऐसा नहीं कि एक दिन स्कैनर एक दिन राइटिंग प्रैक्टिस, नहीं, डेली। दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 12 घंटे हटा दो आपके सोने खाने के लिए, 12 घंटे बचते हैं, उसमें से 1-2 घंटे हटा लो आपके खुद के लिए, तो आपके पास 10 घंटे बचते हैं। अब 10 घंटे पूरा कौन पढ़ता है यार, मतलब पूरा पढ़ना भी नीचे बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। उसमें आपको ज़रूरत है थोड़ा रिफ्रेशमेंट की, तो राइटिंग प्रैक्टिस इज अ टाइप ऑफ रिफ्रेशमेंट। जब आप स्कैनर सॉल्व करते हो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रेशमेंट, ठीक है। ये सब रिफ्रेशमेंट है की। और एक दिन में ना कभी भी एक ही सब्जेक्ट लेके मत बैठना, ये बेवकूफ़ी वाला काम होता है। एक दिन में मिनिमम 3 से 4 सब्जेक्ट तो आपको लेकर ही बैठना। मैं तो एक दिन में 8 सब्जेक्ट लेके बैठती थी। कैसे लेके बैठती थी वो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी।
सो उसी से इफेक्टिव पढ़ाई होती है, उसी से आपको मजा भी आता है और कॉन्फिडेंट रहते हो आप कि हाँ चलो मेरा सब पढ़कर हो रहा है। सो यस गाइस, यही मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मुझे आपको बतानी थी लास्ट 30 डेज में, बिकॉज मेन स्ट्रैटेजी तो 60 डेज की होती है जो मैंने ऑलरेडी शेयर करी हुई थी। अभी 30 दिन बचे हुए, इसको कैसे और प्रोडक्टिव बना सकते हैं वो सब मैंने बता दिया वीडियो में। स्प्लिट एंड स्टडी करना है आपको, एक दिन में क्या क्या कवर करना है वो बताया है मैंने आपको, प्लस राइटिंग प्रैक्टिस करना इज नेसेसरी, स्कैनर सॉल्व करना इज नेसेसरी, वो सब आपको करना है और रिजल्ट्स तो आपको अपने आप आ जाएंगे, फिर उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक।